पहले मैं नमन करता हूँ महाराजा सुहेल देव राजभर, जिनके वंशज हम हैं, आज खड़े हैं मंच पे। उनकी वजह से हम साहस जुटा पा रहे हैं कि एक मंच पे खड़े होके आपस में कुछ वार्तालाप कर सकते हैं। आज सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वो सभी पदाधिकारी जिन्होंने आज के कार्यक्रम की संरचना की है। मैं उन सभी को बधाई देता हूं। ऐसा कार्यक्रम करने के उन्होंने इतिहास रचा है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं राजकुमार जी और दयानंद जी, आप लोगों की सोच को, और साथ ही आप सभी लोग जिन्होंने साहस जुटाया। बड़े भैया महेंद्र जी कह दिए, उन्होंने कहा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम कम से कम साहस तो जुटाए कि हम एक मंच पे हों। शादियां होती रहेंगी, होती रही हैं, कार्यक्रम ना भी होगा तो शादियां होती रहेंगी, लेकिन आप लोगों ने जो साहस का परिचय, मेरे ख्याल से ये अपने आप की एक बहुत ही बड़ी बात है कि सेवा संघ के कहने पे आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सार्वजनिक तौर पर वर वधु परिचय सम्मेलन में भाग लेके आपने हिम्मत जुटाई है कि हम दूसरे समाज के साथ, जो समाज अगुआ है, मतलब बहुत ही विकसित समाज है, हम लोग तो अभी विकासरत हैं, बहुत पीछे हैं। विकसित समाज का नकल करके भी हमें अगर थोड़ी सी अकल आ जाती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं, कोई बेइज्जती नहीं है। एक दूसरे के पद चिन्हों पर चल के हमें भी अपने समाज का सुधार करना है। ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। हालांकि राजभर समाज कोई ऐसा वैसा समाज नहीं है, एक समय का राजा रहा समाज है, लेकिन कुछ बीच में कुछ दुर्दशाओं के कारण हालात इतने तेजी से बदले कि लोग बिखर गए, जंगलों में जाने को मजबूर हो गए। तो मैं, आप लोग ऐसा मत लीजिएगा कि मैं इतिहास बताने लगा, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो साहस दिखाया है, आप सभी के साहस को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे एक याद आ रहा है, सन 2013 में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का कार्यक्रम चल रहा था गोवंडी में। मैं बाहर खड़े कुछ मित्रों से आग्रह करूंगा कि बाहर खड़े हैं अगर आप लोग कार्यक्रम के लिए आए हैं, खासतौर से एडवोकेट सुनील बाबू, अजय राय जी, आप लोग अंदर आइए। अगर आप लोग कार्यक्रम के लिए आए हैं तो कार्यक्रम का आनंद लीजिए, कार्यक्रम में सहभागी बनिए, इसके बाद आप लोग चर्चाएं करिएगा। कृपया आप सभी लोग जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाए। हाँ, मैं अपनी कुछ बात आप लोगों को शेयर कर रहा था, मैं भटक गया, चला गया। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का एक कार्यक्रम चल रहा था, मैं संचालित कर रहा था कार्यक्रम। मैंने कामना की काश इतना बढ़िया माहौल था, हाल इतना बढ़िया सजाया हुआ था, खाने पीने की बड़ी बढ़िया व्यवस्था थी, गाना बजाना बैंड बाजा के साथ मैं था मंच पे, और बारात में आप जैसे लोग बैठे थे, मतलब कुर्सियों पे। मुझे ऐसा आभास हुआ कि इसी में अगर समाज की किसी, जरूरी नहीं कि गरीब, गरीब तो कोई नहीं अपने हिसाब से, पर समाज की किसी लड़की का अगर ऐसे में, ऐसे मौके पे शादी का कार्यक्रम रखा जाए तो अपने अपने बात बहुत बड़ी बात होगी। और मैं फिर अपनी बात करके रह गया। उसके बाद वो सपना, मेरा देखा हुआ सपना, समाज के लोगों ने सफल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। संभवतः 26 तारीख को ऐसा कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के रूप में आज एक फिर ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हुआ है, वर वधु परिचय सम्मेलन, ये फिर अपने आप में पूरे देश भर में अभी तक ऐसा कार्यक्रम सार्वजनिक मंचों से नहीं हुआ है। छोटी छोटी संस्थाओं ने
किया है मेरे जानकारी में है कुछ लोग, पर इतनी सफलता के साथ उन्होंने नहीं किया। मैं काल्पनिक व्यक्ति, मैं कल्पनाओं में ज्यादा रहता हूँ, सोचता हूँ काश ऐसा होता, काश वैसा होता, न सही कुछ और लोग ही साकार करें। लेकिन मैं आपको, चूंकि मैं भाषण देने वाला आदमी तो हूं नहीं, मैं साझबाज वाला आदमी हूं, तो मैं खाली कुछ शब्द यही कहूंगा कि राजभर किसी भी तरह से कमजोर, किसी तरह से गरीब नहीं है। हम खाली ये मान लें कि हम गरीब नहीं है, मन मतलब जैसी सोच वैसा आदमी हो जाता है ना, तो हमारे हालात ऐसे बन रहे हैं कि हम अपने आप को मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम बड़े नीचे हैं, या कई लोगों को तो ये है कि हम तो नीचे गिरा दरवाजे हैं इस तरह का। तो मैं खाली चंद लाइनों में मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं अपने गीत के माध्यम से दो लाइनों में आपको कुछ शब्द कहूंगा। मेरा एक गीत बड़ा ही पॉपुलर है, अब अपने मुंह से कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, इंटरनेट पे काफी लोगों ने देखा होगा, राजभर राजा रहा, ये मेरा एक टाइटल गीत है और मैंने तमाम मंचों पे गाया है। अभी भी 21 तारीख को भिलाई में मेरा प्रोग्राम है, आदरणीय आपके अध्यक्ष महोदय दयानंद भाई, मैं और राजभर दास आदि के संपादक सुभाष राजभर जी वहां मुख्य अतिथि में जा रहे हैं, वहां कार्यक्रम है, हर साल बुलाते हैं उन लोग, और ये गाना तीन तीन बार लोग सुनते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी दो मिनट के लिए मुझे झेलें और वो गाना सुने, अच्छा लगे तो इंटरनेट पे सुन लीजिएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का हौसला बुलंद रहे और आगे भी आप लोग ऐसा साहस जुटा के और हमारे साथ आए, संभव हुआ तो इस साल जो साधना आप लोगों ने देखा देखी होगा, भगवान करें उसमें से काफी शादियां हो जाए, और अगले साल हम लोग सामूहिक के लिए तैयारी करेंगे कि सामूहिक शादी कराई जाए। ये पहला कदम है, आप लोगों की उपस्थिति देखकर मन गदगद हो गया और मन बढ़ गया है हम लोगों का, जो छाती जो 56 इंच वाली है ना, अब होने लगी है कि हम लोगों ने डर डर के जो कार्यक्रम शुरुआत किया था, विषय राजकुमार भाई को मैंने विश्वास दिलाया था कि आप डरिए मत, आपको सफल तो होना ही है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं बस यही कहूंगा कि अरे पीतल समैया मीटल के, पीतल समैया मीटल जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहे। यही लाइन मैंने गाना शुरू किया था 2000 से और काफी लोगों ने सराहा, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे कि पीतल समैया निकल जिनकर इतिहास के राजभर राजा रहने, के राजभर राजा रहने, केहू भूलल केहू के बयात, के राजभर राजा रहने, केहू भूलल केहू के बयात, के राजभर राजा रहने। अरे जे करे पराक्रम से महके जहान हो, के जे करे पराक्रम से महके जहान हो, अजे करे वीर तैया के ऊंची हुए शान हो, महिमा महान जाने महिमा महान जाने, सारा हिंदुस्तान के राजभर राजा रहले, के राजभर राजा रहले, केहू भूलल केहू के बयात, के राजभर राजा रहले, केहू भूलल केहू के बयात, के राजभर राजा रहले। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद कमल जी।